आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बीसी सखी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम इस पर वीडियो ला रहे हैं क्योंकि कोई और नई न्यूज़ नहीं आ रही थी इसके बारे में, लेकिन हाँ हम बात करेंगे आज हम बीसी सखी के बारे में। चलिए हम जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने करीब 4 दिन पहले अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है ताकि आपको पता चल सके कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है, कितने ने नहीं किया है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक बीसी सखी की ट्रेनिंग नहीं हुई है, प्लीज़ वोट करें और अदर कमेंट करें अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो। तो 324 लोगों ने वोट किया है 4 दिन के अंदर अंदर, और सबसे ज़्यादा परसेंट आप देख सकते हैं वोट हुआ है ट्रेनिंग नहीं हुई है। 47% लोगों ने बोला है ट्रेनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है 27% लोगों की, और ज्वाइनिंग हो गई है केवल 6% लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। मतलब कितनी ज़्यादा निराशाजनक बात है ये कि 6% लोगों की अभी तक केवल ज्वाइनिंग हुई है, और 14% लोग चाहते हैं कि इस नौकरी से खुश नहीं हैं और छोड़ना भी चाहते हैं। तो मतलब अभी तक ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार आप लोग अपने ब्लॉक में जा कर के इसके बारे में पूछिए ना, या फिर आपके पास जो आपके बीसी सखी के ऐप में जो नंबर आया था उस पर कॉल करके पूछिए कि क्या बात है, क्यों हमारी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। इतने दिन हो गए आज ट्रेनिंग, मुझे तो लग रहा था कि सभी की ट्रेनिंग भी हो गई है, ज्वाइनिंग भी हो गई है, क्योंकि किसी के ट्रेनिंग के बारे में कमेंट्स नहीं आते थे। तो मुझे लगा कि लग रहा है हो सकता है सभी की ट्रेनिंग हो गई, वैसे हो जानी चाहिए थी ना अभी तक, क्योंकि बताया गया था जो उसके अनुसार हो जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। आप लोग अपने अपने ब्लॉक में संपर्क करें इसके लिए, क्यों ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ठीक है? और ज्वाइनिंग भी क्यों नहीं हो रही है जब इतने दिन से सब कुछ हो गया। अब कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। और मैंने ये भी सुना है कि बीसी सखी धरना भी दे रही हैं, प्रदर्शन भी कर रही हैं, तो ये सब देखते हुए लगता नहीं है कि ये नौकरी चल पाएगी। मतलब टोटली एकदम बेकार हो चुका है समझ लीजिए ये जॉब, मेरे ख्याल से जैसे लग रहा है। और आप लोगों के वोट के अनुसार हम बता रहे हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि ट्रेनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग कितने परसेंट लोगों की हुई है, केवल 6% लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, बताइए 6% लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, और सभी वैसे ही पड़े हुए हैं। और आपको हम अगर अपने ब्लॉक के बारे में बताएं ना, तो जब मनरेगा मेट की ट्रेनिंग चल रही थी तो बहुत सारी बीसी सखियां भी आई हुई थी, ठीक है? और अलग अलग ग्राम पंचायत से बहुत सारी बीसी सखी आई हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद ट्रेनिंग ले सकती हैं, ठीक है? बीसी सखी भी ट्रेनिंग ले सकती है मेट की, अगर वो मेट का जॉब करना चाहती हैं तो उनको बीसी सखी का जॉब छोड़ना पड़ेगा। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में, है ना? इसलिए बीसी सखियों ने अपना अपना, कुछ लोगों ने मतलब कुछ परसेंट लोगों ने, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ परसेंट लोगों ने जिसको बीसी सखी की जॉब नहीं पसंद आई और उनकी जॉब भी लग गई थी, अच्छी खासी ज्वाइनिंग भी हो गई थी और सैलरी पाई थी कि नहीं पाई थी मुझे नहीं पता, मैंने किसी से पूछा नहीं इस बारे में, लेकिन हाँ एक बीसी सखी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने ये बोला कि हम इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है और हम मेट की जॉब करना चाहते हैं। उन्होंने इसके मतलब कि इस्तीफ़ा दे दिया समझ लीजिए, उन्होंने इस जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया, वो ये जॉब नहीं करना चाहती थी। बहुत सारी बीसी सखियाँ ऐसी थी जो छोड़ चुकी हैं इस जॉब को हमारे ब्लॉक से, ठीक है? रिजाइन दे दिया है उन्होंने। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आप भी बीसी सखी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी रिजाइन देते हैं, रिजाइन मत दीजिएगा, ठीक है? हम आपसे केवल बता रहे हैं अपने ब्लॉक के बारे में जानकारी, ठीक है? और लोग अपने हिसाब से काम करिए, अपने अपने ब्लॉक में संपर्क करते रहिए लगातार कि क्यों नहीं हो रहा है, और जानकारियाँ लेते रहिए बराबर। अगर हमारे पास कोई सूचना आएगी तो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई सूचना आ ही नहीं रही है, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया इसके बारे में, तो मुझे लगा इसके बारे में आपको बता देना चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था और आपका ही ये जवाब है, ठीक है? आपका जो जवाब था वही मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।